नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दूरदर्शी नीतियों पर काम कर रही है। प्रदेश में लग रहे नए उद्योगों को जगह की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए दशकों से बंद पड़ी सरकारी टेक्सटाइल मिलों की जमीन को उपयोग में लाया जाएगा। कारोबारियों को होने वाली छोटी से छोटी परेशानी पर योगी सरकार बारीकी से काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बैठक में कहा था कि औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। प्रदेश में करीब 1,00,000 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक है। प्रयास ये रहे कि समिट से पहले हम लैंड बैंक को और विस्तार दें। इसके लिए राजस्व विभाग की एक टीम गठित करें जो निवेश के लिए उपयुक्त लैंड का चिन्हांकन करे, जिससे जो निवेशक यहां आए उन्हें भूमि की समस्या न हो। सरकार की ओर से नए उद्योगों की स्थापना को लेकर लैंड बैंक बनाया गया है और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में दशकों से बंद पड़ी सरकारी मिलों की भूमि के उपयोग की भी कार्य योजना बनाई गई है। इसी तर्ज पर जौनपुर में यार्न मिल की 50 एकड़ भूमि हाल ही में मेडिकल कॉलेज को दी गई है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की 22.89 एकड़, उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग मिल लिमिटेड की 322.35 एकड़, उत्तर प्रदेश राज्य यार्न लिमिटेड की 212.79 एकड़, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड की 705.27 एकड़, कुल 1461 एकड़ भूमि है। ये भूमि मेरठ, हरदोई, झांसी, प्रयागराज, बांदा, बलिया, मऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अमरोहा, बरेली, गाजीपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बिजनौर, संत कबीर नगर और बुलंदशहर जिले में है। इन मिलों पर देनदारी भी है, जिसके भुगतान की व्यवस्था अव्यवस्थापन और औद्योगिक विकास विभाग कर रहा है। प्रदेश में दशकों से सरकारी टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, लेकिन किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। योगी सरकार इन मिलों की देनदारी भी चुकाने का प्रयास कर रही है, साथ ही इन मिलों की भूमि का सदुपयोग व्यावसायिक कार्यों में हो सके, इसके लिए भी कार्य कर रही है। ये योगी की दूरगामी नीतियों के लिए जमीन तैयार करने की कवायद है। विदेशों से आने वाला करीब 10,00,000 करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य योगी सरकार ने निर्धारित किया है, ये उसके लिए है। अब देखना ये होगा कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है वो पूरा होता है या नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।